अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है वॉइस नहीं आ रही है चलो कोई बात नहीं दोस्तों ये वो शो है जिसने न जाने कितने विद्यार्थियों को वहां पे उनकी मंजिल तक पहुंचाया है चारों क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है सुबह साढ़े पांच बजे अगर ये करंट अफेयर हो रहा है जहां चालीस से पचास करंट अफेयर हम लोग डेली पढ़ रहे हैं यानी कोई मिलावट नहीं प्योर बैंकिंग प्योर जो है करेंट अफेयर जिसमें की 40 -50 कि 40-50 घंटे पर यानी कि 10 करेंट अफेयर में फिर स्टैटिक घुसा दिया और एक घंटा नहीं डेढ़ घंटे तक केवल करंट अफेयर की क्लास विथ रिवीजन वाईफाई और कम से कम 100 करंट अफेयर्स के रिवीजन चलते हैं शाम को पांच बजे ये जो सिक्स मंथ करंट अफेयर की क्लास है यहां पे हम लोग सिक्स मंथ करंट अफेयर मंथली वाइज भी लेके चल रहे हैं और टॉपिक वाइज भी बीच में लेके चले कोई ना कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं जैसे आर्मी एक्सरसाइज किसी दिन कवर कर दिया किसी दिन डेज कवर कर दिया किसी दिन रैंकिंग कवर कर दी और वो पूरी कवर की किसी दिन ओलंपिक किसी दिन पैरा ओलंपिक ऐसे ठीक है शाम को सात बजे बैंकिंग की कॉन्सेप्ट क्लास टाइप ऑफ बैंक टाइप ऑफ बैंकिंग टाइप्स ऑफ loans, टाइप्स ऑफ accounts, ये क्लास शेयर मार्केट कल हम लोग पढ़ना शुरू किए आप लोग की उत्सुकता देख के कैपिटल मार्केट को मैंने सोचा है आज उसका पार्ट टू लेके चलूंगा और आज भी अगर आपके डाउट्स रह गए तो कल फिर तीसरा पार्ट लेके चलूंगा बहुत अच्छा क्लास चल रहा है मज़ा आ रहा है आप लोगों को मज़ा आ रहा है आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ आप लोग क्योंकि इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो इतने डिटेल में चल रहे हो कि मेरे को भी मजा आ रहा है क्योंकि भाई मुझे भी पढ़ने वाले बच्चे चाहिए और वो मुझे मिलने है बैंकिंग वाली क्लास में शाम को सात बजे ये फ्री क्लास है ऐप पे ऐप डाउनलोड कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से फॉलो कर लीजिए मुझे और मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए पी एस टेन कोड यूज कीजिए ये दोनों क्लास फ्री क्लास है रात को नौ बजे और सात बजे इस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए ओके पी एस मेरा कोड है दोस्तों इसे यूज कीजिएगा ऐप को अनलॉक करने के लिए टेलीग्राम पे मेरे सारे ये क्लासेस के लिंक प्राप्त हो जाते हैं आपको जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होती है जीए बाई सर पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा लिंक भी प्राप्त हो जाएगी ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे आप लोग बैचेस दिखते हैं है, पाइनियर बैच है दोस्तों जिसमें मैं ग्यारह बजे पढ़ा रहा हूं फिनेशियल इकोनॉमिक्स के इसके जो है कि ताबड़तोड़ अपडेट्स आपको डेढ़ घंटे की क्लास चलती है आज भी चली बहुत मजा आया पॉइनियर बैच में दोस्तों सारे धुरंधर आपको पढ़ा रहे हैं इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर केवल हम चार टीचरों का बैच नहीं मिलेगा सौ टीचर अगर अन एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं चाहे किसी भी यूट्यूब पे उन सब की लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन किसी भी एग्जाम जो आने वाला है उसका स्ट्रक्चर्ड कोर्स उसका मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडेंस सब कुछ मिलेगा वीकली टेस्ट टीचर से क्लास के दौरान बात कर सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन लेने पर बैंक प्लस एसएससी कॉम्बो बैंक एसएससी रेलवे कॉम्बो आरबी कॉम्बो ये सब दो साल का लेने पे एक साल और दो, दो साल का लेने पे तीन साल एक साल का लेने पे दो साल फ्री इसका कल लास्ट डेट था आज एक बार चेक कर लेना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पीएसआर टेन दोस्तों कोड है यूज यहां पे देख लेना ठीक है पीएसआर टेन ओके समझ गए पीएसआर टेन कोड यूज करने पे दस परसेंट का आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिल जाएगा छह महीने से ऊपर वाले पे आपको जीरो परसेंट ब्याज पे लोन भी मिल जाएगा ई पे आप ले सकते हैं फ्री में चाहिए दोस्तों तो स्कॉलरशिप टेस्ट देना होगा आइकोनिक फीचर में थोड़ा सा क्या है डाउट सेक्शन में हैंड रेस सेशन में कुछ लोग चाहते हैं हमको पहले जवाब दो तो उनको तीन सौ नब्बे रुपए पर मंथ देना होता है पीएसआर एस टेन इस पे भी लगेगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्री में चाहिए तो टॉप थ्री लोगों को स्कॉलरशिप में यहां पे हर हफ्ते जो है तीन लोगों को फ्री स्कॉलरशिप में सब्सक्रिप्शन मिलता है टॉप थ्री में आना होगा संडे को सुबह एग्जाम होगा दस बजे होता है हर संडे को एग्जाम और ऐसा नहीं है कि केवल तीन लोगों को ही मिलेगा एक हजार बच्चों को स्कॉलरशिप यहां मिलती है इसके लिए भी ऐप को डाउनलोड कीजिए और पी एस आर टेन कोड यूज कीजिएगा दोस्तों अनलॉक करने के लिए पी एस आर टेन बजे वाली क्लास जरूर कीजिए क्योंकि सिक्स मंथ करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं कल हम लोग ने बैंकिंग एनबीएफसी और पेमेंट बैंक का ऐसा डिफरेंस सीखा है कि वो टेबल अगर आपने जो है खाली स्क्रीन ले लिया तो मजा आ जाएगा ये नौ बजे क्लास होती है पीयूष सिंह नाम से आप सर्च कर सकते हैं बैंक एग्जाम कैटेगरी पर फ्री क्लास है फ्री स्पेशल क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा और भाई शाम वाली क्लास ये सात बजे वाली क्लास जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इस बार बैंकिंग पूछ रहा है बैंकिंग की बेसिक क्लास चला दीजिए सर तो लो भैया ऐप पर जिसके लिए आप बहुत सारे बैच लिए होंगे बहुत सारे चैनल पे बैच बिकते होंगे बैंकिंग का प्योर कॉन्सेप्ट क्लास के लिए बैच बिकते होंगे यहां फ्री में मैं आपको दे रहा हूं तो इसकी कीमत को समझना और ऐसा पैसा लगा के भी नहीं मिलेगा ऐसा बैच पैसा लगा के नहीं मिलेगा जिसने पैसा लगा के बैच कर रहे होंगे उसको इस बात का आइडिया होगा कि पैसा लगा के भी सर ऐसी बैंकिंग की क्लास डेप्थ में सोचो कैपिटल मार्केट हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं तीन पार्ट में पढ़ाने के मूड में हूँ तो ऐप डाउनलोड कीजिए पी एस टेन कोड यूज कीजिए अनलॉक कीजिए फ्री स्पेशल क्लास है लेकिन इसको फ्री मत समझना समझ लो प्यू सर अपना नुकसान करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं फ्री में दे रहे हैं तो ये फ्री की मतलब समझ समझ मत लेना इसको समझना कि बहुत बहुमूल्य चीज़ है पहले क्वेश्चन पे आते हैं किस आई एन एस द्वारा अभ्यास कोंकण दो हजार इक्कीस में भाग लिया गया विच आई एन एस है इक्कीस जो है दोस्तों यहाँ पे यहीं से कल हम लोग ने क्वेश्चन छोड़े थे कल यहीं से क्वेश्चन हम लोग का आगे बढ़ा था और आज इसके आगे से हम लोग को करनी है क्लास ओके okay? ठीक है अभिषेक कुमार ए एस सुधाकर आयुषी रिंकू प्रिया अमोल दिव्या सभी लोग को राधे राधे गुड इवनिंग दोस्तों ये जो अभ्यास कोंकण है ये इंडिया और यूके के बीच में होता है अभ्यास ये किसके किसके बीच में होता है अभ्यास इंडिया और यूके के बीच में होता है यूनाइटेड किंगडम के ठीक है दोस्तों आईएनएस तबर ने भाग लिया किसने कि भाग लिया आईएनएस तबर ने भाग लिया यूनाइटेड किंगडम पे कल हम लोगों ने बड़ी बहस की थी कल रात को पोल हुआ था कि नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स इन चारों को मिला के बनता है यूके और इन तीनों को मिला के बनता है ब्रिटेन ठीक है नॉर्दर्न आयरलैंड है ये आयरलैंड नहीं है ये भी बात हुई थी यूके में दोस्तों जो बैटल ऑफ सारागढ़ी के दीवाने जो थे जो आप केसरी मूवी देखते हो बैटल ऑफ सारागढ़ी को जो है दुनिया की आठ महान लड़ाइयों में माना जाता है जब कुछ सिख रेजिमेंट के लोगों ने हजारों की संख्या में अफगानों को जो है हराया था चित कर दिया था दोस्तों वो 18 सितंबर 18 12 सितंबर है शायद सितंबर अट्ठारह संतानवे की वो जो लड़ाई है उसके नाम पे स्मारक यहां पे जो है दोस्तों ओपन किया गया है यूके में स्मारक यूके में इस बार का जी सेवन अभ्या वो हुआ है सबमिट हुआ है बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों मोदी जी को इन्होंने बुलाया भी था ये यह यहां के प्रधानमंत्री हैं G7 का जो थीम था बिल्डिंग बैक बेटर G7 में दोस्तों सेवन कंट्री है जिसे हम लोग याद रखते हैं जूस विद गर्लफ्रेंड जापान यूएसए इटली कनाडा, इंग्लैंड जर्मनी और फ्रांस जूस विद गर्लफ्रेंड से याद रखते हैं पहले ये G8 था लेकिन रशिया को बाहर कर दिया गया जब उसने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था इसके अलावा इस बार चार देश बुलाए गए थे एक तो यूएसए और जापान ये क्वाड के मेम्बर है तो क्वाड के मेम्बर और कौन कौन है तो एक इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है ये चारों क्वाड के मेम्बर है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया गया था उसके बाद दोस्तों साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका दो साउथ वाले बुलाए गए थे यानी टोटल 11 कंट्रीज का इस बार जी सेवन हुआ है जिसको डेमोक्रेटिक 11 कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक 11 कहा जा रहा है ओके एजे क्रिएशन करें सर आप एग्जामपुर पे थे हाँ बिल्कुल थे यार बिल्कुल दोस्तों इसके बाद इसके बाद जी सेवन अगली बार कहां होगा जी सेवन अगली बार कहां होगा दोस्तों ये बताइए आप लोग जी सेवन इस बार कहां हुआ है यूके में हुआ है अगली बार जर्मनी में होगा फिर जापान में होगा फिर इटली में होगा यानी 2022, 2023 और 2024 जर्मनी जापान इटली जी सेवन और जी ट्वेंटी दोनों में एक बात कही गई है जी ट्वेंटी तो इटली में हुआ है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स 15 परसेंट रखने की बात कही गई तो यह क्वेश्चन लास्ट मंथ बैंक के एग्जाम में पूछा था कि जी सेवन और जी ट्वेंटी में मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स कितने रखने की बात करेंसी गुड इवनिंग गूगल सर ये तो तुम लोग का प्यार है कि तुम लोग गूगल सर तुम लोग ने ही दिया हुआ नाम है ओके क्लियर है ये चीज जी सेवन से रिलेटेड है, से है जिसे आप याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में दोस्तों इस बार का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आ रेट टेस्ट के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था जिसमें भारत हार गई थी और न्यूजीलैंड जीत गई थी समझ गए क्लियर है याद रहा इसके बाद दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए तो जी ट्वेंटी की भी बात कर लेते हैं लेकिन यूके में एक और चीज हुआ ग्लासगो में सीओपी ट्वेंटी सिक्स जो जलवायु सम्मेलन हुआ जिसमें इंडिया ग्रीन गारंटी जो लिया है यूके ने लिया है बोरिस जॉनसन ने जलवायु सम्मेलन दोस्तों ग्लासगो में हुआ है स्कॉटलैंड में जहां पे भारत ने 2017 तक नेट कार्बन जीरो इमिशन करने की बात कही है संकल्प लिया 2070 तक 2030 तक 500 सौ नॉन फोसिल्स फ्यूल आ, से जो है प्रोडक्शन करने की बात कही है पांच सौ यानी रिन्यूएबल एनर्जी से ओके okay. इसके बाद दोस्तों सीओपी ट्वेंटी सेवन जो होगा वो इजिप्ट में होगा मिश्र में काहिरा में कायरो सीओपी ट्वेंटी एट जो होगा दोस्तों वो दुबई में होगा यूएई में सीओपी ट्वेंटी सिक्स में महाराष्ट्र को अवार्ड मिला है उसके जलवायु फ्रेंडली कामों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के काम के लिए जंगल के लिए उनके इन्वायरमेंट फ्रेंडली कामों के लिए महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा एजेक्रिएशन कह रहे सर आपके कारण मेरा आरबी अटेंडेंट निकला था वेरी गुड क्रिएशन जी बधाई हो यार ही लोग को तो मैंने पढ़ाने में समझ लो तुम ही लोग का एग्ज़ाम करने के बाद मुझे कोरोना हो गया फिर मुझे घर आना पड़ गया और फिर घर पे स्टूडियो लगाने को कोई तैयार नहीं था फिर हमारी अनकेडमी कंपनी ने हमारा सुना घर पे स्टूडियो लगाए तब से घर से पढ़ा रहे हैं वरना तो कोरोना में दिल्ली में थे वहीं कोरोना हो गया बुरी बुरी स्थिति हो गई थी खैर तुम ही लोग का आर अटेंडेंट निकल गया ये देख के मुझे बहुत खुशी होता है बहुत सारे बच्चों का निकला बहुत सारे बच्चों को मैंने आर अटेंडेंट पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों का निकला अच्छा लगता है जब आप लोग किसी मुकाम पर पहुँच जाते हो किसी दोस्तों हम लोग बात कर लिए इसकी ना हाँ जलवायु सम्मेलन की बात हो गई है किस राज्य सरकार ने अगले दस साल तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का की अनाउंसमेंट किया है दोस्तों इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए तब तक तो जी ट्वेंटी की बात कर लेते हैं यहां भी मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फिफ्टीन रखने की बात कही गई है जी ट्वेंटी इस बार इटली में हुआ है अगली बार जो है इंडोनेशिया में होगा इसका प्रेसिडेंसी मिल गया है दिसंबर में लेकिन ये करेंगे 2022 वाला सारा आयोजन प्रेसिडेंसी दिसंबर में मिल जाता है लेकिन आयोजन अगले साल होते हैं आ, इंडिया को मिलेगा अगली बार प्रेसिडेंसी दिसंबर में और इंडिया करेगा 2023 का सारा अरेंजमेंट अलग अलग लेवल की मीटिंग अलग अलग जगह होगी दोस्तों इंडिया में जो पूरा मैनेजमेंट करेंगे वो शेरपा किसको बनाया है पीयूष गोयल जी को बनाया पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उपभोक्ता मामलों के सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं हाँ भैया संगीता आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कोई नहीं सूरज तुम्हारा बड़ा कुछ लिखा हुआ है भगवान तुम्हारी हर जायज मांग पूरी करे है ना जायज मांग इसलिए कि बिक्की कौशल से शादी करने का अगर तुम्हारा सपना है तो वो तो पूरा नहीं हो सकता कैटरीना की जिंदगी हम बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेंगे तो तुम्हारी हर जायज मांग पूरी हो जो तुम चाहती हो और मिलने लायक हो वो मिले और सरकारी नौकरी तो हंड्रेड परसेंट मिले क्योंकि जो तुम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो सुबह उठ के रात तक लगे रहते हो मेरे साथ तो वो तो यार जरूर मिले भगवान माता सरस्वती तो माता लक्ष्मी सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर आ जाए ठीक है तो दोस्तों यहां पे अगर हम लोग बात करें कि उड़ीसा की जो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं इनका हॉकी प्रेम बहुत रहता है पुरुषों का महिलाओं को स्पॉन्सर किया था और आज वो दोनों ब्रॉन्ज के मैच तक पहुंचे एक ब्रॉन्ज जीत गया एक नहीं जीत पाया महिला वाला लेकिन सम्मान उसका भी उतना ही है जैसे कि चकदे इंडिया में पुरुष जीते महिला हारी लेकिन महिलाओं का सम्मान कि वहां तक जाके टक्कर दिया इकतालीस साल बाद भारत मेडल जीतने में कामयाब हुआ मेडल जीतने में भारत कामयाब हुआ यह भी देखिए एक अपने आप में इकतालीस साल बाद मतलब 12 मेडल जीते हैं हॉकी में भारत ने लास्ट गोल्ड मेडल ही जीता था 1980 में गोल्ड मेडल ही जीता था उसके बाद से इकतालीस साल से कुछ नहीं जीता पहला 1928 में जीता था फिर 32 में जीता फिर 36 में जीता मतलब जो उद्घाटन कराया मेजर ध्यानचंद जी जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं तीस अगस्त स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद अवार्ड बारह लोगों को ओके क्लियर है समझ गए संगीत अग्री सर जॉब ही चाहिए और कोई मांग नहीं है तो बिक्की कौशल को मांगेगा भी कौन लोग तो कैटरीना पता नहीं कहां से फंस गई मतलब विक्की कौशल के ऊपर मेम्स बन रहे हैं जब इसको कटिना मिल सकती तो तुम्हारा भी तो बैंक निकल ही सकता है और आजकल तो मेरे ग्रुप में भी तुम लोग एक से एक मेम्स भेज रहे हो एस का एक्सेंट कोई सीख रहा है तो कोई बेरोजगारी का जो है कि बता रहा है कि बचपन से हमको जब पैदा हुए थे तभी हमारे जो है पिताजी ने बोलते थे सरकारी नौकर पैदा हुआ है तो लेकिन एक बात बताएं यही मेंटालिटी है जो कि हम लोग का पूरा जवानी बर्बाद कर रही है वरना <laughs> अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कभी कि जिस समाज में शिक्षा का मकसद नौकरी पाना हो है ना वो कह रहा था ना आज मिम्स वाला जो तुमने वीडियो डाले हो कि इतना तो अगर हम लोग ओलंपिक में जो है कि तैयारी करते तो गोल्ड मेडल ले आते जितना हम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब्दुल कलाम साहब ने भी यही बात कही थी कि जिस समाज में शिक्षा का मकसद नौकरी पाना हो उस समाज में मालिक नहीं पैदा होते नौकर ही पैदा होते तो ये भारत है ये सर्विस इंडस्ट्री में आगे क्यों है मैन्युफैक्चरिंग में आगे क्यों नहीं है क्योंकि यहां मेंटालिटी ही सर्विस वाली है मेंटालिटी ही नौकरी वाली है नौकर वाली मेंटालिटी है हम भी हो चाहे तुम भी हो उसी मेंटालिटी से बंधे हुए इंसान जिस मेंटालिटी में बंध जाता है पूरा जीवन उसी में उसका जी जाता है रिस्क लेने की फिर क्षमता उसके अंदर बचती नहीं है खैर <coughs> हॉकी को दोस्तों दीवानगी नवीन पटनायक जी गोलकीपर भी थे और इन्होंने अमित रोहिदास को भी अवॉर्ड दिया है और हॉकी के पति इनकी दीवानगी यह है कि 2018 में इन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप कराया 2023 में भी हॉकी वर्ल्ड कप कराएंगे हॉकी की दीवानगी इतनी इनकी है कि कलिंग स्टेडियम में दोस्तों यहां पे हॉकी का स्टेडियम है जहां सारे फाइनल होते हैं अभी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है अभी इसी महीने की खबर है ये जो है दोस्तों यहां पर हॉकी के प्रति इनकी दीवानगी बहुत ज्यादा है ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनवा रहे हैं राउरकेला में राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम बीस हजार की कैपेसिटी वाला सबसे बड़ा बना बिरसा मुंडा जी शहीद बिरसा मुंडा जी पंद्रह नवंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा जी का बर्थडे जो है यह जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस बार से मनाया जाने लगा इसी पंद्रह नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया 16 नवंबर को ऑडिट दिवस पहली बार मनाया गया ऑडिट दिवस दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि गणेशी लाल माथुर यहां के गवर्नर हैं जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट प्राइज मिला पचास हजार जुग्गी झोपड़ियों को में रहने वाले लोगों को लैंड सर्टिफिकेट देना पक्का मकान बनवाना सुजल योजना इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड के द्वारा मिल चुका है नवीन पटनायक जी को भारत का पहला सुनामी रेडी राज्य बना और जिसकी वजह से एशिया का यह जो है दूसरा सबसे सुनामी रेडी कंट्री बन पाया इंडिया इनकी वजह से इसी उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के बड़े खास आदमी थे अश्विनी वैष्णो आई ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद मोदी जी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया उड़ीसा से ही राज्यसभा से सदस्य बना के आज इन्हें रेल मंत्रालय दिया कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में उन्होंने हंड्रेड परसेंट एफ 100% एफडीआई कर दी और रेलवे मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री जो आईटी ट्विटर विवाद सारे ऐप वेब पोर्टल सब इसी के अंतर्गत आते आज मैं आप लोगों को ऐप पढ़ाऊंगा भारत का पहला फायर पार्क सेचा समाधान ऐप मो नाम से जितनी भी योजनाएं सब इन्हीं की है मो जीवन मोह प्रतिभा मोह सरकार मो परिवार मो विद्युत मो कॉलेज और एक संपादकों के लिए जर्नलिस्टों के लिए गोपा बंधु भी चला रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया इसके बाद दोस्तों उड़ीसा में आपका चिलका झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है महानदी पे दुनिया का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम उड़ीसा में ही है नंदनकानन है यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में महेंद्रगिरी अभी बायोस्फीयर रिजर्व चुना गया है यहाँ पे सिमली पाल नेशनल पार्क है भीतर पन, कनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे बसंत कह रहे हैं हम भी उड़ीसा से हैं देख लो यहाँ पे दोस्तों भुवनेश्वर हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन वाला पहला वो है सिटी है पूरी है हंड्रेड परसेंट जल वाला पहला नार का सूर्य मंदिर है यहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उड़ीसा में दोस्तों ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस भारतीय शहर को दुनिया के सबसे 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया दोस्तों एक ब्रिटिश कंपनी ने एक सर्वे निकाला है और एक अमेरिकन कंपनी ने सर्वे निकाला है ब्रिटिश कंपनी के हिसाब से होतान शहर जो है सिंजियांग प्रांत का चाइना का सिंजियांग प्रोविंस का वो सबसे पॉल्यूटेड है और दूसरे नंबर पे जिला गाजियाबाद है और एक अमेरिका की जो है एजेंसी ने रिपोर्ट निकाला है उसने बोला है कि लाहौर सबसे प्रदूषित है लाहौर ठीक है क्लियर अब दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है इस ब्रिटिश कंपनी के साथ और दसवें नंबर पे दिल्ली है और सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी दिल्ली है और ये मैं सोचो कि गाजियाबाद के बाद कोई इंडियन नहीं है बहुत सारे इंडियन भरे हुए हैं इसमें सिटी 50 में करीब करीब 35 सिटी जो है वो यही इंडियंस ही हैं यहां पे दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है तो आपका बांग्लादेश है पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे आपका भारत है पॉल्यूशन को मेजर किससे किया जाता है पीएम टू पॉइंट फाइव के घनत्व से डेंसिटी से पांच माइक्रोग्राम अगर रहता है तो पॉल्यूटेड मान लिया जाता है पर मीटर क्यूब और यहां पे तो 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है घनत्व सिंजियांग का होतान का जो सबसे पॉल्यूटेड है पीएम 2.5 पॉइंट ये इसका मात्रक होता है यूनिट होता है मेजरमेंट का यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टी पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉइंट फाइव पार्टिकुलेट मैटर टू ओके आगे आते हैं दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज आई एन एस रणविजय ने दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है यह आपको बताना है बांग्लादेश की बात तो बिल्कुल करनी ही चाहिए बांग्लादेश पचासवां साल मना रहा आजादी का भारत ने आजाद कराया पाकिस्तान के दो टुकड़े किए इंदिरा गांधी सैम मानिक शाह जैकब साहब इन सब को याद करना चाहिए हमें 26 मार्च को वो अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं 16 दिसंबर को हम जो है विजय दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं क्योंकि कराची पोर्ट को ध्वस्त किया था ऑपरेशन त्रिशूल में उसी युद्ध में नेवी ने सारे जहाज उनके डुबा डाले थे हमारी 22 किलर स्क्वाड्रन ने याद करना ही चाहिए दोस्तों यहां पे हम लोग बात करेंगे एक मिनट मैं आप लोगों को एक्सरसाइज एक दिन कराया था आज फिर मैं सोच रहा हूं कि एक्सरसाइज एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कैसा रहेगा एक बार फिर से जो है तुम लोग को एक्सरसाइज को रिमाइंड करा दिया जाए ठीक रहेगा तुम लोग बोलोगे तभी हम जो है कराएंगे नहीं तो नहीं कराएंगे ठीक है अक्टूबर से आते हैं अक्टूबर से मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका आर्मी का हुआ है आर्मी मतलब थल सेना अंपारा श्रीलंका में जीमेक्स जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये हुआ है नेवी का अरब सागर में ठीक है क्लियर है समुद्र शक्ति थ्री ये जो दोस्तों इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुआ है नेवी का सुंडा स्ट्रेट में सुंडा जल डमरू मध्य में ओके okay. तो इसके बाद सितंबर में हुआ सूर्यकिरण फिफ्टीन जो इंडिया नेपाल के बीच में हुआ उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में उसके बाद दोस्तों सितंबर में हुआ ऑसिंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेवी का हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों इसके बाद जो है अगर याद करो तो क्वाड कंट्री का मालाबार एक्सरसाइज हुआ था उसका पहला चरण पोर्ट ऑफ गुआम में हुआ था प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में अमेरिका में और दूसरा चरण बे ऑफ बंगाल में हुआ था मालाबार एक्सरसाइज भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अब ऑस्ट्रेलिया हुआ दोस्तों सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर नेवी का साउथ चाइना सी में साउथ चाइना सी में इंडिया अगर कुछ करता है तो बहुत चाइना को तकलीफ होती है साउथ चाइना सी को वो अपना रजिस्ट्रेशन समझता है तो वियतनाम के साथ भी करती है इंडिया तो साउथ चाइना सी में करती है जापान के साथ भी करती है कभी कभी सिंगापुर के साथ भी किया उन्होंने सिम्बेक्स उसके बाद दोस्तों रशिया में हमारा इंदिरा एक्सरसाइज हुआ जो वॉल्गो रशिया में हुआ इंदिरा इंडिया रशिया से मिलकर बना है पाड एक्सरसाइज हुआ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था बहुत देश मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था वो भी रशिया में हुआ निज़नी में हुआ इसके बाद संघाई ऑर्गेनाइज़ेशन का पीसफुल एक्सरसाइज हुआ वो भी रशिया में हुआ वो ऑरबर्ग में हुआ तो उसमें सीडीएस भी हमारे गए थे स्वर्गीय जनरल विपिन सिंह रावत जी बात उसके बाद करें काजिंद की काजिंद अगस्त में हुआ भारत और कजाकिस्तान के बीच में आर्मी का है कजाकिस्तान कजाकिस्तान अस्ताना उसकी कैपिटल हुआ करती थी अब नूर सुल्तान उसका नाम कर दिया गया टेंगे उसकी करेंसी उसके बाद दोस्तों जायद तलवार जायद तलवार इंडिया यूएई के बीच में हुआ नेवी का एक्सरसाइज अल मुहाद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ पहली बार नेवी एक्सरसाइज हुआ इंडिया सऊदी अरबिया के बीच में अल मुहाद अल हिंदी उसके बाद जायद तलवार हुआ जायद तलवार तो जायद तलवार किसका हुआ इंडिया और यूएई के बीच में एक हुआ जायद अल बहर जायद अल बहर जो है वो हुआ इंडिया और कतर के बीच में भारत और कतर के बीच में कतर का दोहा है जहां 2022 का वर्ल्ड कप होगा फीफा का फुटबॉल का और इसी कतर के दोहा के हमाद एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया कतर तो कतर तो के साथ हमारा जायर अल बहर हुआ वहीं पे अगर नसीर अल बहर हो जाएगा तो वो किसके साथ होगा बताओ जरा दोस्तों उसके बाद कोंकड़ एक्साइज इंडिया और ब्रिटेन के साथ हुआ अगस्त में और अगस्त हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सामने हैं आपके जायर अल पहर जो हुआ था भारत और कतर के बीच में फारस की खाड़ी में हुआ अल मोहद अल हिंदी सऊदी अरब में हुआ और जायद तलवार अबू धाबी में हुआ अब इसके पीछे जाने का मतलब नहीं है जुलाई के पीछे बहुत ज्यादा जाने का मतलब नहीं है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हिंद महासागर हाँ जगह नहीं याद करो लेकिन यह याद कर लो कौन सा किसके साथ होता है जैसे मैं आप कुछ पढ़ के सुना देता हूं अब जगह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगस्त के पीछे जाने में जगह नहीं लेटेस्ट मन से जगह पूछ लेगा कि कहां पे हुआ था लेकिन पुराने से जगह नहीं पूछेगा पुराने से बस इतना पूछेगा ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है वो तो स्टैटिक के वो तो पांच साल बाद भी वही रहना है तो वो पढ़ लेते हैं तो आपका कोंकड़ इंडिया ब्रिटेन जायद बहर भारत कतर मालाबार इंडिया अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया कटलैस वो तो बहुराष्ट्रीय था इंदिरा भारत रशिया कॉरपेट इंडिया इंडोनेशिया वरुण इंडिया फ्रांस वज्र प्रहार इंडिया अमेरिका खंजर भारत किर्गिस्तान खंजर भारत किर्गिस्तान इसके बाद शांति ओग्रो सेना बांग्लादेश ने कराया था बहुराष्ट्रीय वो था डस्टलिक इंडिया उज्बेकिस्तान युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस तो ये सब इस साल के बहुत एक्सरसाइज है इधर तुम्हारा ना जून जुलाई के बाद ही ज्यादा हुआ है क्योंकि उसके पहले तो कोरोना का ऐसा डेल्टा का प्रकोप था कि कोई आ ही नहीं रहता है भारत में करने के लिए ठीक है समझ गए चल बहुत बढ़िया शानदार <laughs> तो दोस्तों वियतनाम के साथ जो है ये हमारी एक्सरसाइज हुई है साउथ चाइना सी में आईएनएस रणविजय भी था हमारे तरफ से वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई और करेंसी है दोस्तों डोंग करेंसी क्या है डोंग है यही ये भी वो एक मुल्क है अफगानिस्तान की तरह जहां 20 साल बाद अमेरिका को वापस लौटना पड़ा अमेरिका को वापस लौटना पड़ा किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों तालिबान पर तो फेसबुक ने लगाया किसने लगाया फेसबुक ने फेसबुक ने एक पत्रकारों के लिए इंडिपेंडेंट पत्रकारों के लिए न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म एक बुलेटिन नाम से लॉन्च किया है दोस्तों स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इंडी फाइव के साथ मिलकर फेसबुक ने जो है देना शुरू किया है एक इनिशिएटिव शुरू किया है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ये भी एक शुरू किया है इसके बाद जो लोग इंस्टाग्राम भी क्योंकि फेसबुक का ही है तो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम डॉट कॉम यानी टिकटॉक के जाने के बाद इस पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं लर्न करिए क्रिएट करिए और अर्न करिए ये बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम डॉट कॉम जो है ये शुरू किया गया एक मिनट में पानी पी लू फेसबुक ने अपनी मदर कंपनी का नाम भी चेंज किया बिल्कुल मेटा तो जय करे सर मैत्री किसके बीच में होती है मैत्री तो बांग्लादेश के बीच में होती है ना एक मित्र वाला करके होता है जो श्रीलंका के साथ भी होता है ठीक है ओके दोस्तों रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव है इसका क्रिएटर एजुकेशन इनेबलेंट प्रोग्राम है फेसबुक 2004 में आई थी मार्क जुकरबर्ग लाए थे मेटा अब इसका नाम हो गया है कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है मेलो पार्क में स्पूर्ति प्रिया यहां पे शिकायत अधिकारी बनाई गई क्योंकि 50 लाख से ऊपर के सभी सब्सक्राइबर को भारत में शिकायत अधिकारी बनाना है भारत के लोग कहां शिकायत करेंगे ट्विटर ने विनय प्रकाश को बनाया है व्हाट्सएप ने परेश लाल को बनाया है स्फूर्ति प्रिया को इन्होंने बनाया है ठीक है क्लियर है मार्क जुकरबर्ग की आई गोट की है ये तो हमें नहीं पता था भाई साहब ये तो हमको नहीं पता था भैया दोस्तों चार नए जिले मोहल्ला मानपुर सारगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति और मनेन्द्रगढ़ के निर्माण की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है छत्तीसगढ़ में दोस्तों चार नए जिले बने हैं और अट्ठारह नए तहसील बने हैं बारह प्लस तीन नए जिले दोस्तों नागालैंड में भी बने हैं ठीक है क्लियर है याद रहेगा जो इस साल एक्सरसाइज में उसी पे हम लोग ज्यादा ध्यान दें वरना इसे तो पढ़ते रह जाओगे एक बार जो है गूगल करके तुम लोग पूरा पढ़ लो ठीक है इसके बाद दोस्तों जो मैंने रैंकिंग भी आप लोग को पढ़ाई थी रैंकिंग हो चुकी है ठीक है इंपॉर्टेंट डेज की थीम देख लेते हैं डेज तो डेज की थीम देख लेते हैं ठीक है जो इधर बीते हैं उनका देख लेते हैं लास्ट तीन मंथ का वर्ल्ड टीचर्स डे पांच अक्टूबर को मनाया गया थीम थी टीचर एट द हर्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी रिकवरी क्या होती है जब जीडीपी मंदी से ऊपर की ओर बढ़ती है एकदम गर्त में जाती है माइनस में माइनस तेईस दशमलव नौ फिर ऊपर क्यों जाते उसे रिकवरी फेस कहते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर इसकी थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल शांति दिवस पीस डे 21 सितंबर 21 सितंबर को मनाया जाता है उसकी थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड यहां पे दो तीन चीज कॉमन दिख रही है रिकवरी शब्द आ रहा है ज्यादातर पिछले साल पेंडेमिक शब्द ज्यादा आया था इस बार रिकवरी शब्द ज्यादा आ रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे साक्षरता दिवस 74.04 परसेंट साक्षरता दर है इंडिया की लिटरेसी रेट 93.9% परसेंट केरल की है सबसे ज्यादा और 61.80% परसेंट बिहार की है सबसे कम लिटरेसी रेट की जो थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी फिर रिकवरी आ गया लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी ठीक है युवा जो है आजकल का फूडी हो गया है खाना 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 12 अगस्त को युवा डे मनाया गया इंटरनेशनल भाई 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विवेकानंद जी के बर्थडे पर लेकिन इंटरनेशनल वाला 12 अगस्त को होता है जैसे कि टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल वाला 5 अक्टूबर को हुआ वैसे ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम इसके बाद जून में आते हैं इंटरनेशनल योगा डे इक्कीस जून सबसे बड़ा दिन भारत का सबसे लेट में सूर्यास्त होता है ग्रीष्म संक्रांति सोलर सोलर वो जून सोलस्टाइस समर सोलिस्टाइस कहते हैं कर्क रेखा पे सूर्य होता है सूर्य सबसे उत्तर की ओर पहुंच चुका होता है जैसे इस समय 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है यह विंटर सोलिस्टाइस है इस समय कैप्रिकॉन पे पहुंच जाता है यानी सबसे साउदर्न पार्ट पे दक्षिणायन हो जाता है और हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं हम नॉर्दर्न एमोस्फेयर में रहते हैं इसीलिए हमें सूर्य दक्षिण की ओर दिखता है इस समय जो गर्मी में जहां से धूप आती है वहां से फिर एंगल चेंज हो जाता है ठंड में जो है खिड़की में से धूप आने का और सूर्य क्योंकि दक्षिण की ओर जा चुका है इसलिए सूर्य की लाइट तो आ रही है तपन नहीं आ रही है इसलिए ठंडी लग रही है हमें और ये दक्षिण की ओर है इसीलिए पितामा अपना शरीर भी नहीं त्याग रहे कि उत्तरायण हो जाएगा तभी शुभ काम होगा क्योंकि वो कैप्रिकॉन पे है मकर रेखा पे है जब मकर संक्रांति मनेगा खिचड़ी पे मकर संक्रांति चौदाह जनवरी को तब वो उत्तर की ओर मूव करेंगे तब शुभ काम शुरू होगा तब तक खरमास रहेगा कोई शादी ब्याह भी नहीं होगा ठीक है चलो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है टुगेदर वी हिल लर्न एंड साइन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेट की थीम थी और री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर यह थीम थी इस साल की जून तक काफी है ठीक है चलो 21 जून को प्रिया का बर्थडे वेरी गुड चलो तो डेज भी पढ़ लिए, थीम भी पढ़ ली एक्सरसाइज भी पढ़ ली। रोज मैं टॉपिक वाइज तुम लोग को रिवीजन कराता रहूंगा टेंशन मत लेना ठीक है छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर है छत्तीसगढ़ में अभी एन में गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूछा और इंद्रावती नेशनल पार्क पूछा दो दो नेशनल पार्क एक ही में पूछ लिया अभी जो संडे को पेपर हुआ तो हमने आप लोग को पढ़ाया था ट्रिक गुरु घासीदास इंद्रावती को चैटिंग करते देख एंगर हो गए तो चैटिंग से छत्तीसगढ़ हो गया और एंगर से क्या हो जाएगा कैंगर वैली एंगर से क्या हो जाएगा कैंगेर घाटी कैंगर वैली गुरु घासीदास इंद्रावती को चैटिंग करते देख देखर हो गए ओके क्लियर है समझ गए बाजरा मिशन दोस्तों इसी ने शुरू किया है और इंटरनेशनल माइलेज डे बाजरा दिवस अरे वर्ष कब मनाया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में बाजरा वर्ष मनाया जाएगा अंसुया उके यहां की गवर्नर हैं भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एक नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी एमपी से अलग हुआ एमपी भी एक नवंबर छत्तीसगढ़ भी एक नवंबर कर्नाटक भी एक नवंबर आंध्र प्रदेश भी एक नवंबर तमिलनाडु भी एक नवंबर चंडीगढ़ भी एक नंबर नवंबर पंजाब भी एक नवंबर हरियाणा भी एक नवंबर दिल्ली भी एक नवंबर चंडीगढ़ भी एक नवंबर कम से कम तेरह स्टेट और यूनियन टेरिटरी का स्टेटू डे एक नवंबर को मनता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा और इसी के एक दिन पीछे चले जाओ एक नवंबर के तो इकतीस अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनी थी 2019 में जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल का बर्थडे मनाया जाता है राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर 70 परसेंट कम दाम पे दवा, पत्रकार कल्याण योजना इंदिरा वन मितान योजना किसान भूमिहीन किसान न्याय योजना दोस्तों यहां पे भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किसान न्याय योजना राजीव गांधी जी के नाम से गोधन न्याय योजना पढ़ाई तुम्हार पारा पढ़ाई तुम्हार द्वार और बुल्टू के बोल ये सब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के रायपुर में अटल नगर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में विवेकानंद जी के नाम से एयरपोर्ट समझ गए क्लियर है याद रहेगा बहुत बढ़िया हाँ एक नवंबर सन 2000 में नवंबर 2000 में तीन राज्य अलग हुए थे एक तारीख को एमपी से छत्तीसगढ़ नौ तारीख को यूपी से उत्तराखंड और पंद्रह तारीख को बिहार से झारखंड जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा जी का बर्थडे मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी रांची का एयरपोर्ट है मुंडा समुदाय भी यहीं का है पचहत्तरवा इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी दोस्तों वॉट वॉज द थीम ऑफ सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे की राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये इसकी थीम थी इस बार की जो आजादी का दिवस मनाया गया 228 दल जो है ओलंपिक वाले पहुंचे थे इसमें चीफ गेस्ट बनके लाल किले से जो जो बात कही थी मोदी जी ने वो बात पचहत्तर वंदे भारत चलाने की बात कही गई थी पचहत्तर हफ्ते पहले बारह मार्च से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू कर दिया गया था दांडी मार्च नमक का कानून जिस दिन तोड़ा गया था साबरमती आश्रम से शुरू कर दिया गया था पचहत्तर आत्मनिर्भर कॉर्नर खोलने की बात कही गई दो तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की बात कही गई नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने की बात कही गई नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान सौ लाख करोड़ रुपए की बनाने की बात कही गई और दोस्तों ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है बारह मार्च दो को शुरू हुआ है पंद्रह अगस्त दो के पचहत्तर हफ्ते पहले लेकिन चलेगा 2022 तक नहीं चलेगा 2023 तक ये याद रखिएगा ओके पचहत्तर आत्मनिर्भर कॉर्नर जो ओपन किए गए हैं वो पचहत्तर देशों में ओपन किए गए पहला जो ओपन किया गया थाईलैंड के जो भारतीय दूतावास में ओपन किया गया थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है बहत बहत करेंसी है क्लियर है निम्नलिखित में से किस एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन, स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना है एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला पहला भारत मैंने पहला आप लोगों को पढ़ाया था अभी कल या परसों में कि भारत में क्या क्या इस साल किस राज्य ने पहला किया है क्या क्या चीज पहला हुआ है ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो मेरे हर सेशन को देखिएगा जो एग्जाम के पहले आप लोग को पढ़ लेना है सारा एम्स दिल्ली में दोस्तों एम्स दिल्ली में जो है फायर स्टेशन बना दिया गया है ताकि आग वाग लगे तो तुरंत ही सलट जाए एम्स दिल्ली के हेड है रणदीप गुलेरिया मेडिकल कॉलेज में सबसे बेस्ट जो कॉलेज है सबसे बेस्ट एम जो है एम्स है वो यही है गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं इनकी एक बुक आई टिल विन भी ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी भारत में पहले व्यक्ति थे एम्स के सफाईकर्मी मनीष कुमार आज जो है रिचार्ज का इंफॉर्मेशन लेना है मतलब तुम को पढ़ने का मन नहीं है क्या पढ़ने का मन नहीं है तो बता दो मैं पढ़ाना बंद कर दू मैं भी तुम लोग के साथ रिचार्ज पे ही बात कर लू जैसा मन तुम लोग का जियो पांचवें नंबर का ब्रांड है टॉप फाइव ब्रांड है अभी एसएससी सीजीएल में पूछा था दुनिया का टॉप फाइव ब्रांड है दुनिया का भारत का नहीं दुनिया का जिसमें शेयर चैट, चैट, फरारी, अरे फरारी, कोका कोला, ये सब कंपनियां थी उसमें पांचवें नंबर पे जियो था ठीक है दिल्ली का सदर बाजार इस बार का बेस्ट पुलिस स्टेशन है और पिछले साल का मणिपुर का नॉन्गपॉक्स एक माई था <laughs> संगीता कह रही सर साठ पॉइंट आपने बताए थे इंडिया फर्स्ट के ओरली लग रहा है पॉज कर करके कर करके कर लिखा कर, 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 कर है पूरा एजे कह रहे सर इंडिया को पाकिस्तान को कर्ज देना चाहिए विकास करने के लिए फिर कर्ज नहीं चुका पाता है तो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे हे भगवान क्यों करोगे एक बात बताओ तुम्हारे शरीर में कहीं कैंसर होता है तो तुम उसको अलग करते हो तुम्हारे घर में कुछ गंदगी होती तो उसको बाहर फेंकते हो वायरस होता है तो उसको डिलीट करते हो कि उसको घर में ले आते हो गंदगी को कौन घर में लाता है यार तुम पाकिस्तान पे कब्जा कर लोगे भाई क्यों कब्जा कर लोगे यार माफ करें वो वहीं रहे हैं गंदगी अब वो और ज्यादा गंदे हो चुके हैं अब वो तालिबान से सटे हुए हैं अब वो और ज्यादा जो है उसी में लिप्त हो चुके हैं जहाँ पे एक सैतालीस और कट्टरता और ये सब है जहाँ वो पचास साल से हम मंगल पे जाने की सोच रहे हैं विनस पे जाने की सोच रहे हैं वो कश्मीर में घुसने के प्रयास कर रहे हैं सत्तर साल से हम कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो कश्मीर ही में घुसने का अलग अलग प्लान बनाते वो उसी में सफल हो पाएंगे वो कहीं सुरंग बनाएंगे कहीं ड्रोन चलाएंगे कहीं कूच करेंगे कहीं कुछ करेंगे। उनका एम ही इतना छोटा है कि कश्मीर में घुसना है तो कहा पैसा ही देना होता सरदार पटेल ने उनको पैसा नहीं दिया था सरदार पटेल ने उनको पैसा देने से मना कर दिया कि नहीं दो इनको पैसा ये हमारे खिलाफ़ जो है कश्मीर में कबाइलियों को भेज रही हो तो लड़ने के लिए हम इनको पैसा देंगे क्या बात करते हो तुम दिल्ली में टीचर यूनिवर्सिटी बनी है बिल्कुल सही बात है दिल्ली में टीचर यूनिवर्सिटी बनी है बात हम लोग कॉलेजेस की कर रहे थे एम्स की तो आईआईटी मद्रास जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लाया है भारत में सारे कॉलेजेस में सारे कैटेगरी में और इंजीनियरिंग में भी दोस्तों ये टॉप पर है आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास ने अभी ब्रेन मेंटल जो है वर्कशॉप भी शुरू किया था नियोबोल्ट व्हील चेयर भी बनाया था दोस्तों ई वेस्ट के लिए भी एक पोर्टल बनाया था ठीक है क्लियर है इसके बाद आई आई एस सी बेंगलोर आई आई एस सी बेंगलोर यह दोस्तों यूनिवर्सिटीज में नंबर वन पे है आईएससी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे है और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी पहले नंबर पर आई आई एस सी बेंगलोर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी पहले नंबर पर उसके बाद अगर आई आई एम की बात करें जहां से एम बी ए करते हो मैनेजमेंट करते हो कोर्स आई आई एम में आई आई एम अहमदाबाद बेस्ट है मैनेजमेंट के एम बी एस कॉलेज में एम बी ए कॉलेज में भारत का सबसे बेस्ट है आई आई एम अहमदाबाद जितने भी मेडिकल कॉलेज है भारत भर में उसके में सबसे बेस्ट है एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली जहाँ फायर स्टेशन बना है जो भी मैं पढ़ा रहा था आपको फार्मेसी का अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो फार्मा में सबसे बढ़िया दिल्ली का जामिया हमदर्द है फार्मेसी का कोर्स कराने में जामिया हमदर्द दिल्ली का हमदर्द वाली दवाई भी हम लोग खाते हैं यार वही वाला तो नहीं है समझ गए कौन युवक कष्ट में है भाई कौन सा युवक कष्ट में है बताओ दोस्तों मिरांडा कॉलेज जो है दिल्ली का जो है वो कॉलेजेस में सबसे पहले नंबर पे। यानी भारत का जो बेस्ट कॉलेज है वो मिरांडा कॉलेज है ओके okay? आर्किटेक्चर में देखो जो बायो ब्रिक से जो मकान वकान बनाए थे वो जो है आईआईटी रुड़की एक कुछ मकान ये भी बनाए थे कोई किसी चीज से आई मद्रास वाले भी कोई मकान बनाए थे ठीक है संगीता के सर आज बोल सकते हो आज ईयरफोन है मेरे पास ये भगवान ठीक है अभी बोलते लॉ में जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है बेंगलोर का जो है ये नंबर वन पे है ओके और डेंटल कैटेगरी में डेंटल कैटेगरी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो है मणिपाल का वो पहले नंबर पे बात समझ में आ गई चलो हाँ अब तुम लोग की क्या बात है कष्ट कष्ट तुम लोग का कोई ऐसा कुछ है नहीं संगीता का बर्थडे आज वो ईयरफोन लगा के पढ़ रही है देख लो डेडिकेशन देखो संगीता का आज बर्थडे है वो पढ़ रही है समझ रहे हो ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है कि आप बर्थडे के दिन पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों अभी जो है एशिया रैंकिंग निकाली गई एशिया रैंकिंग एशिया रैंकिंग निकाली गई थी वर्ल्ड रैंकिंग नहीं निकाली गई थी बार बार मैं ये बताता हूं तुम लोग को समझाता हूं कि अगर वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जाती तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे होता एशिया रैंकिंग निकाली गई थी इसलिए एन नंबर वन पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर कई लोग इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समझ गए हैं कि सिंगापुर पहले नंबर पर पहली बात अपना डाउट क्लियर कर लो यहां पर कोई भी एशिया से बाहर का दिख रहा है क्या कोई देश भी एशिया से बाहर का दिख रहा है क्या नहीं सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पे है तो 126 चाइना में है इंडिया दूसरे नंबर पे 118। लेकिन अगर रैंकिंग की बात आती है तो वर्ल्ड में तो हम टॉप 200 में नहीं दिखते और एशिया वाले में भी हम नहीं दिख रहे हैं टॉप 10 में टॉप 20 में टॉप 30 में और टॉप 40 में भी हम नहीं दिख रहे हैं हमारा जो पहला बैंक आ रहा है वो आ रहा है पहला जो इंस्टीट्यूट आ रहा है वो बयालीसवें नंबर पे, पे, पे आई आई बॉम्बे इसके बाद आईआईटी दिल्ली पैंतालीसवें नंबर पे आईआईटी मद्रास चौवनवे नंबर पे आई आई एस सी बेंगलोर फिफ्टी सिक्स नंबर पे बयालीस पैतालीस चौवन छप्पन फिर आई खड़कपुर खड़गपुर कानपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू आईआईटी रुड़की आई गुवाहाटी ये सब है तो दोस्तों ये जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है अगर वर्ल्ड रैंकिंग होती तब क्या होता तब मेसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता जहां से जहां से अभिजीत बनर्जी और थर्ड फ्लो माइकल क्रेमर रिसर्च कर रहे हैं जिन्होंने वैश्विक गरीबी को दूर करने के अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए उन्हें नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला था पिछले साल ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए कैलेंट्री अवॉर्ड्स यहां से नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है 144 फोर्टी फोर यहां पर यहां पर यह किए गए 144, फोर्टी फोर ओके आज शेयर मार्केट पे है दोस्तों सेशन आप लोग को करना है अटेंड शेयर मार्केट पे शेयर मार्केट कल हम लोग ने किया था और मजा इतना आया कि आज फिर हम लोग करेंगे ठीक है उसका सेकंड पार्ट और अगर आपको और इच्छा हुई और ज्यादा टर्मोलॉजी सीखने की तो थर्ड पार्ट भी करेंगे क्योंकि तो कैपिटल मार्केट अक्सर आपने ना पढ़ा होता है न ज्यादा किसी ने पढ़ाया होता है लेकिन मैंने हिम्मत करी है क्योंकि तुम लोग ने हिम्मत करी है पढ़ने की दोस्तों 144 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है 44 लोगों को टीचर अवार्ड मिला है शिक्षक पुरस्कार ये क्वेश्चन एनआईए सी एल में पूछा फोर्टी वन लोगों को कौशलाचार अवार्ड मिला है चौबीस लोगों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है दो हजार इक्कीस वाला अगर देखा जाए तो एक सौ उन्नीस लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है एक सौ दो लोगों को पद्मश्री मिला है दस लोगों को पद्म भूषण मिला है सात लोगों को पद्म विभूषण मिला है 2020 वाला देखा जाए क्योंकि दिया दोनों इसी साल गया है तो टोटल 141 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है 118 लोगों को पद्म श्री मिला है सोलह लोगों को पद्म भूषण मिला है और सात लोगों को यहां भी पद्म विभूषण मिला है इस वाले में कंगना रनावत हैं, 2020 वाले में जो लोग बवाल कर रहे थे 2020 वाले में कंगना रनावत हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं ये लोग हैं इस वाले में नरेंद्र कपानी हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के जनक थे जिनका डेथ हुआ इस वाले में सिंजो आबे हैं जापान के पूर्व राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री ठीक है नहीं है सर मजा आता है बैंकिंग क्लास में बिल्कुल और मैं सच में बड़े मजे से इस बार पढ़ा भी रहा हूं बहुत दिन बाद इसको पढ़ा रहा हूं बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लास और मुझे भी अच्छा लग रहा है टाइमिंग हो सकता है सेट हो गई सात बजे वाली टाइमिंग मतलब मूड मेरा सही रहता है पढ़ाने का मन करता है कि हाँ बैंकिंग को डेप्थ में लेके चलो ग्यारह लोगों को ग्यारह साइंटिस्टों को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला है सोलह साइंटिस्टों को DIDO युवा साइंटिस्ट अवार्ड मिला है बाईस लोगों को यूथ अवार्ड मिला है जो ज्यादा नंबर के अवार्ड होते हैं ना उन्हें हम नंबर में याद करते हैं कि भाई कितने लोगों को मिला शांति स्वरूप भटनागर साइंटिस्टों को मिलता है ठीक है क्लियर है बारह लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है और पैंतीस लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है इसमें पांच पांच करके बाकी है द्रोणाचार्य अवार्ड और ऐसे करके पांच पाँच है बाकी पांच पाँच है द्रोणाचार्य अवार्ड और मौलाना अबुल कलाम अच्छा उसमें एक है कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसको बेस्ट अवार्ड मिलता है शिक्षक वाला जब मिलता है जब तुम्हारा ये क्या कहते हैं अर्जुन अवार्ड और ये अवार्ड मेजर ध्यानचंद तो उसमें जो बेस्ट ट्रॉफी ऑफी जीती रहती पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इस बार जीती चंडीगढ़ वाली उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है ग्यारह नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं वो हमारे देश के पहले शिक्षक शिक्षा मंत्री भी थे उन्हीं के बर्थडे पर ग्यारह नंबर को हम शिक्षा दिवस भी मनाते हैं और वो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी थे खैर बहुत सारा आज हम लोग ने पढ़ लिया नेहा कह रहे हैं सर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं सर हां आपके जो भी डाउट होंगे बैंकिंग में सात बजे आ जाइए ऐप पर उसका लिंक भी जी भाई पीयूष सर टेलीग्राम पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आ जाइए वहां से मुझे फॉलो कर लीजिए ऐप पर दोस्तों पीयूष सिंह नाम से सर्च करिए और फ्री क्लास है अटेंड करिए बैंकिंग को बेसिक से पढ़िए वो आपके आई तक में काम आएगा आई तक के एग्जाम में काम आएगा ये बैंकिंग के इंटरव्यू से लेकर के आपके मेंस और अगले जो लोग जॉब करने लगे हैं वो भी बोलते हैं सर इसका बड़ा फायदा होता है हम लोग को बैंकिंग क्योंकि उनको आती है बाकी को नहीं आती तो दोस्तों ये जो है ऐप पे क्लास सात बजे होगी फ्री क्लास है बैंकिंग की आप लोग वहां पर जुड़िए इसके बाद जिसमें आज हम लोग शेयर मार्केट पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे ओके okay. सर ये क्लास चार बजे नहीं हो सकता क्या एडजस्ट चार बजे पे तुम लोग वोटिंग करा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे पांच बजे या चार बजे पे कोई दिक्कत है तुम लोग वोटिंग कर लो ग्रुप में चाहिए भाई प्यू सर टेलीग्राम पे वोटिंग करा लो पोल करा लो ओके okay, बाय टेक केयर मिलते हैं सात बजे